जीवन पथ पर चलते तो सभी हैं, परंतु वे ही अपनी मंजिल पाते हैं जो चुनते हैं सही राह। तो चुनिए उस राह को जो आपकी आकांक्षाओं व उम्मीदों को पूर्ण करे, जो आपको निरंतर उन्नति व प्रगति के पथ पर ले चले, जिसे पूरे आत्मविश्वास के साथ चलकर आप सफलता की नई इबारत लिख सके। तो आइए टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओसिया, जहां हो रहा है निर्माण भारत के उज्जवल भविष्य का। सच्चाई की तपोस्थली है जोधपुर जिले का ओशिया, जहां पर स्थित है टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किसी भी सभ्य समाज का निर्माण तथा उसका सर्वांगीण विकास सर्वश्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था से ही संभव है। वह इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सन 2003 में एक बीज बोया श्री सुभाष जाखड़ ने, वो टैगोर स्कूल ओशिया की स्थापना हुई। उन्हें इस पवित्र कार्य में माता किस्तूरी देवी का सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। इस पद का उद्देश्य नहीं है विश्रांत भवन में टिक जाना, बल्कि पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। इस उक्ति को साकार करते हुए टैगोर स्कूल के संस्थापक निदेशक श्री सुभाष कुमार जाखड़ ने अपने दृढ़ संकल्प तथा समर्पण से मारवाड़ अंचल में शिक्षा के बदलते स्वरूप को नई पहचान प्रदान की। अपनी स्थापना के समय से ही टैगोर स्कूल समूचे मारवाड़ अंचल में गुणवत्तापूर्ण व मानवीय मूल्यों को शिक्षा के रूप में प्रदान करने वाले विद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। टैगोर स्कूल ओसिया के विकास एवं उत्कर्ष में सुभाष जाखड़ के अलावा टैगोर स्कूल के अध्यक्ष श्री जगदीश जाणी का भी विशेष योगदान रहा है। विद्यालय के कुशल संचालन हेतु व मूलभूत सुविधाएं भी श्री जगदीश जी सदैव तत्पर रहते हैं। श्री जगदीश जाणी संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार, नशा मुक्ति व सामाजिक कार्यक्रमों में सदैव तत्परता से करते हैं। ऐसी इस जोड़ी के नेतृत्व में विद्यालय सदैव प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। नूर ही नूर होगा मंजिल तक, तू चिराग जला तो सही, इसी आशा तथा विश्वास से शैक्षिक विकास को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षा प्रेमी एक युवा की प्रबल इच्छा एवं पावन संकल्प की परिणति ही टैगोर विद्यालय के रूप में फलीभूत हुई, जिसके पीछे समस्त मारवाड़ अंचल के जागरूक अभिभावकों और जिज्ञासु छात्रों का अविस्मरणीय योगदान हमेशा संबल प्रदान करता रहा है।
यही कारण है कि आज यह छोटा सा वटवृक्ष पुष्पित पल्लवित एवं फलित होकर न केवल ओसिया में बल्कि समूचे राजस्थान में उच्च स्तरीय अध्ययन व्यवस्था श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के साथ संस्कारशील प्रतिभावान छात्रों के निर्माण में निरंतर सफलता के प्रतिमान कायम कर रहा है। मुझे इस बात पर गर्व है कि टैगोर स्कूल ने जो बोर्ड मेरिट व उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम की परंपरा प्रारंभ की है उसे मारवाड़ अंचल की शिक्षण संस्थाओं ने न केवल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हुई है बल्कि शैक्षिक गुणवत्ता भी निरंतर उन्नयन की ओर अग्रसर हुई है। टीपीएस ने बहुत ही कम समय में अपनी मेहनत सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणामों व अभिभावकों के अटूट विश्वास के साथ अपना विस्तार किया है। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओसियां राजस्थान का लीडिंग हिंदी मीडियम को एजुकेशनल डे बोर्डिंग कम रेजिडेंशियल स्कूल है जो RBSE अजमेर से अफिलिएटेड है। यहाँ सभी विषयों जैसे साइंस कॉमर्स व आर्ट्स की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसका शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर सभी मॉडर्न एमिनिटी से सुसज्जित है। समय की नजाकत व अभिभावकों की मांग पर टैगोर स्कूल का अपना इंग्लिश मीडियम का स्कूल भी है जो अभी उच्च प्राथमिक स्तर तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है जिसका भविष्य में उच्च माध्यमिक स्तर तक विस्तार किया जाएगा जिससे यहाँ पढ़ने तथा पढ़ाने वालों को बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलता रहे। स्कूल के एकेडमिक प्रोग्राम को हर उम्र के स्टूडेंट के अनुसार क्रिएटिवली डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं बल्कि हर विषय की प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। इस हेतु शिक्षा प्रदान करते समय यहाँ साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है जो हमारे समक्ष 100% परिणाम के रूप में आता है। समस्त मारवाड़ अंचल में ओसियां स्थित टैगोर स्कूल की पहचान यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन एवं 100% परिणाम है। यह सब संभव हुआ है यहाँ की अनुभवी और डेडिकेटेड फैकल्टी की वजह से जिन्हें श्रेष्ठ शिक्षा देने की प्रेरणा संस्था के निदेशक श्री सुभाष जाखड़ सदैव प्रदान करते हैं। यहाँ के क्लासरूम स्वच्छ हवादार तथा कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट लिए हैं। छात्रों को प्रत्येक टीचर पर्सनल अटेंशन देते हैं। टैगोर स्कूल में टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के साथ 51,000 रुपये नगद तक का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। टैगोर स्कूल ओसिया में पढ़े छात्र आज अनेक उच्च पदों पर आसीन है व स्कूल से सीखे दृढ़ मूल्यों व अपने मजबूत चरित्र से TPS के मिशन को पूरा कर रहे हैं। कंप्यूटर की शिक्षा आज के युग की अहम जरूरत बन गई है। इसी के मद्देनजर टैगोर स्कूल ओसिया में सभी छात्रों हेतु कंप्यूटर एजुकेशन उपलब्ध कराया गया है जिसके लिए यहाँ हाईटेक कंप्यूटर लैब है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ छात्र वर्ल्ड क्लास नॉलेज प्राप्त कर इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से अपना तारतम्य स्थापित करते हैं। कंप्यूटर के जैसी ही आज अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी अति आवश्यक हो गया है। इस हेतु निदेशक सुभाष कुमार जाखड़ ने विद्यालय में ही लैंग्वेज लैब की स्थापना की है जो होनहार छात्रों को अंग्रेजी भाषा में बोलना सिखाते हैं। आइए हम उस लैब में चलते हैं। Can you help me, anyone? Something? What is the main reason of global warming? Any one reason? Indicated by the vehicles. Is most and factories. Chimney of a factories. Is mostly responsible for creating a blanket all around the world.
of carbon as pollution. There are many kinds of pollution: air pollution, sound pollution, and noise pollution. But mostly the pollution of gases, chlorofluorocarbon. और स्कूल में साइंस वर्क के विद्यार्थियों हेतु फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वेल इक्विप्ड मॉडर्न लैब है। जहाँ स्टूडेंट साइंस को प्रैक्टिकली समझते व सीखते हैं, इन्हें साइंस लैब में माँ भारती की सेवार्थ योग्य डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का निर्माण होता है। इस टॉप क्लास एजुकेशन सेंटर के विषय में यहाँ के छात्रों के क्या विचार है, जरा हम भी सुनते हैं। मरुण अभून है, मैं टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ, कक्षा 11 में विज्ञान वर्ग से हूँ। हमारे विद्यालय दूर दराज क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और हमारे विद्यालय में 5,000 से अधिक बच्चे हैं और हमारे विद्यालय 50 किलोमीटर दूर दराज से वाहनों की सुविधा है और हमारे प्रधान अध्यापक श्रीमान सुभाष जी जाकर जो हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए रोजमर्रा की बातें बताते हैं और वो कहते हैं कि अच्छे अंक हासिल करने से कुछ नहीं होता है, आगे कुछ बनकर दिखाना होता है। और हमारे प्रिंसिपल सर इन विनोद कुमार सैनी प्रेयर स्तर पर प्रेयर कहानी सुनाते हैं और कुछ ना कुछ कहानियों के जरिए हमें ज्ञान अर्जित करते हैं। और हमारे क्लास टीचर इन मनोज कुमार सैनी और मैं जीव विज्ञान टीचर्स और कहते हैं जीव विज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ तो बताते हैं और हमें बाहर विज्ञान भी बताते हैं और प्रयोग भी करवाते हैं जीवों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में। और प्रयोग लैब में हमेशा कुछ ना कुछ और भी सिखवाया जाता है और हमारे विद्यालय में खेल मैदान की सुविधाएं और प्रतियोगिता, हर प्रकार की प्रतियोगिता हमारे विद्यालय में करवाई जाती है। और हमारे विद्यालय में अनुशासन की प्रथम कड़ी है, जो अनुशासन से केवल कुछ ना कुछ मिलता है, अनुशासन से विद्यार्थी की जीवन में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के मिलता है। और हमारे विद्यालय में ऐसा हमारे विद्यालय में अच्छे से अच्छे अंक हासिल करते हैं और प्रथम श्रेणी में आते हैं और हमारे विद्यालय में हर एक साल नया ना नया बच्चा कुछ ना कुछ बनकर दिखाता है। और हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छी अनुशासन सुविधा है और हमारे विद्यालय में CCTV कैमरे की सुविधा भी है और हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब भी है जो बच्चों को सिखाया जाता है और हमारे विद्यालय बहुत ही अच्छा है। जो लोग मुझे देख रहे हैं उसे हमें मेरे यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओशिया में ही प्रवेश करवाएं। धन्यवाद। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं टैगोर शिक्षण संस्थान में पढ़ती हूँ। मैं 11 क्लास की विज्ञान की छात्रा हूँ। मेरे निदेशक, हमारे स्कूल के निदेशक महोदय का नाम श्रीमान सुभाष जाकर है। वो हमें कुछ न कुछ प्रेरित करते रहते हैं, वो अनुशासन के बारे में बहुत कुछ बातें बताते हैं, वो हमें अनुशासन के साथ साथ हमारे लक्ष्य को निर्धारण करने के बारे में भी बताते हैं। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जी का नाम श्रीमान विनोद कुमार जी सैनी है। वो हमें प्रार्थना के स्तर पर कहानियों के माध्यम से अनेक प्रकार के मार्गदर्शनों के बारे में बताते हैं, तो वो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारण करने के लिए बताते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ अंक से कुछ नहीं होता है और अनुशासन की कड़ी भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो हमें अनुशासन के साथ साथ अपने लक्ष्य को निर्धारण करने के बारे में भी कहते हैं। मेरे सके कक्षा अध्यापक का नाम श्रीमान मनोज कुमार जंगीर है। वो हमें जीव विज्ञान पढ़ाते हैं तथा वो हमें बायोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान बताते हैं। वो हमें कक्षा के अलावा किताबी ज्ञान के अलावा बाहर का ज्ञान भी बताते हैं। वो हमें वनस्पति तथा जैविक क्रियाओं के बारे में बताते हैं। वो हमें लैब में ले जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के प्रयोगों व जीवों के बारे में बताते हैं। हमारे क्लास में रसायन विज्ञान के अध्यापक श्रीमान जितेंद्र कुमार हैं। वो हमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताते हैं। हमारे कक्षा में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर श्रीमान अशोक सेन है, वो भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। हमारे विद्यालय में अनुशासन के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। हमारे विद्यालय में पढ़कर मेरे बड़े भाई बहन बहुत
पदियों पर पहुंच गए हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि भी। मेरे विद्यालय में बहुत कुछ अच्छा पढ़ाने को मिलता है। मैं इस विद्यालय में पढ़कर अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ तथा मैं अपने समाज का, अपने स्कूल का, वे अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे अध्यापक मुझे ये प्रेरित करते हैं कि आप अपने स्कूल का नहीं बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन करें। मैं अपने विद्यालय को पाकर बहुत खुश हुई हूँ। मैं अपने विद्यालय को परिवार के समान मानती हूँ तथा सब मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक मुझे अपने बेटी के समान मानकर सभी प्रेरित करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को बनाए रखना। मेरे विद्यालय में पानी की भी बहुत सुविधाएं हैं तथा स्वास्थ्य अभियान के तहत मेरे विद्यालय में बहुत साफ सफाई की जाती है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक अच्छे अच्छे कुछ न कुछ ज्ञान देकर हमें अपने लक्ष्य को प्रेरित करते रहते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इस विद्यालय में प्रवेश कराकर अपने बच्चों को भविष्य बनाए तथा अपने बच्चों को जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करके उसका भविष्य बनाकर उसकी जिंदगी में एक सफल सपने को पूरा कीजिए। धन्यवाद। मैं रवि सारण, कक्षा 12 का स्टूडेंट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिन रहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में हमारा विद्यालय सबसे प्रसिद्ध विद्यालय, क्योंकि हमारे इस विद्यालय का परिणाम है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रह रहा है। इस स्कूल में लाइब्रेरी, प्रयोगशाला आदि सब की सुविधा है और एक खेल मैदान भी है। यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है और अनुशासन विद्यार्थी के जीवन में बहुत जरूरी है। जो भी मेरे देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। मैं ओशिया के टेंगो छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छी है, खाना अच्छा मिलता है, हॉस्टल में सारी सुविधाएं हैं। जो बच्चे यहाँ रहते हैं उसकी अतिरिक्त कक्षाएं लगती हैं, शिक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो टेंगो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रावास में हमारे साथ अपने बच्चों को भेजें। सारी सुविधाएं अच्छी है, यहाँ पे कमरा आप देख ही रहे हो, बाकी जो सुविधाएं हैं सब अच्छी हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे गुरुजन हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। छात्रावास में हमें शाम को अनुशासन की बहुत बातें सिखाई जाती हैं, जिनका हम पूर्णतः पालन करते हैं और हम अनुशासन में रहते हैं। हम यहाँ पर पढ़ाई अच्छी तरीके से करते हैं तथा गुरु जी के मार्गदर्शन पर चलते हैं। हमें यहाँ पर छात्रावास में खाना अच्छा मिलता है। हमारे खेलने वगैरह पूरा ध्यान रखा जाता है, समय पर उठाया जाता है। हमारे सब नियमित दिनचर्या एकदम समय पर फिक्स रहती है। शाम को हमारी नियमित कक्षा लगती है जिसमें हम रोज सभी मिलकर अध्ययन करते हैं। हम हमारी प्रॉब्लम को सभी मिलकर आपस में सॉल्व करते हैं तथा यदि आपस में नहीं होता हम गुरु जी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराते हैं। हम यहाँ अच्छी तरह से रहते हैं तथा हमारे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी अनुशासन पूर्ण रहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को अनुशासन पूर्ण रखना चाहते हैं और उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, क्योंकि किताबें जीवन हेतु मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसी सोच का परिणाम है टैगोर स्कूल ओसिया की वेल स्टॉक लाइब्रेरी, जहां स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है दुनिया के जाने माने राइटर्स की किताबों के साथ देश विदेश की मॉडर्न पत्र पत्रिकाएं, जिन्हें पढ़कर वो अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर पाते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर समर सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। हर स्टूडेंट्स में एक अलग व अनोखी प्रतिभा छुपी होती है। उन्हें एक्सपोजर देने के उद्देश्य से टैगोर स्कूल ओसिया के छात्रों को कई जिला व राज्य स्तरीय महोत्सवों में भेजा जाता है। छात्रों को देश की सांस्कृतिक धरोहरों को व ऐतिहासिक अवशेषों को करीब से जानने के लिए विद्यालय प्रशासन छात्रों को ऐतिहासिक भ्रमण भी करवाता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी बात को ध्यान में रख टैगोर स्कूल ओसिया में स्वास्थ्य शिक्षा पर खासा ध्यान दिया जाता है और फिजिकल एक्सरसाइज को करिकुलर का हिस्सा बनाया गया है। टैगोर स्कूल ओसिया में योग की शिक्षा अनिवार्य की गई है तथा योग में दक्ष योग्य शिक्षक छात्रों को योग के विभिन्न आसनों की शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा छात्रों को विद्यालय के विशाल खेल प्रांगण में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कैरम
केमिस्ट्री। कबड्डी अनुभवी कोच खेलना सिखाते हैं। इन्हीं मैदानों में भविष्य के वाइचन भुटिया, विराट कोहली और सानिया नेहवाल बनते हैं। विद्यालय प्रशासन खेल प्रतिभाओं को तराशने हेतु विद्यालय में ही जिला व राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते हैं। घर से दूर मगर घर से भी अधिक सुविधाओं के है टैगोर स्कूल ओसिया के हॉस्टल्स। छात्रावास के छात्रों हेतु 24 घंटे विद्युत व्यवस्था, स्वच्छ मिनरल वाटर, हेल्दी खाना व लॉन्ड्री की व्यवस्था है। यहाँ की मॉडर्न मेस में छात्रों को सप्ताह के 7 दिन स्वयं छात्रों द्वारा तैयार मेन्यू के अनुसार खाना व नाश्ता दिया जाता है। यहाँ के हेल्दी खाने से छात्रों का तीव्र शारीरिक विकास होता है। छात्रावास के सभी छात्रों को होम सिकनेस न हो इस हेतु संस्था निदेशक सुभाष कुमार जाखड़ की धर्मपत्नी श्रीमती सुलोचना जाखड़ जी सभी छात्रों को ममतामयी माँ का प्यार व दुलार प्रदान करती है। छात्रावास के सभी छात्रों की हर समस्या का समाधान कर वो करुणा की मूर्ति बन अपना कर्तव्य निर्वहन करती है। विद्यालय की प्रगति व उत्कर्ष में भी सुलोचना जी का योगदान रहा है। सभी छात्र ऐसी ममतामयी माँ पाकर धन्य है। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने में वार्डन श्री सुनील कुमार जाखड़ सदैव तत्पर रहते हैं। इसके अलावा अध्यापकों का एक समूह छात्रावास की निरंतर देखरेख करता है। छात्रावास में रह रहे छात्रों हेतु स्कूल समय के बाद रोज 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है, जहां विषय के विशेषज्ञ छात्रों की अध्ययन में आ रही समस्याओं का समाधान करते हैं। छात्रों को स्कूल से घर व घर से स्कूल लाने व ले जाने हेतु टैगोर स्कूल ओसिया के पास 20 बसों का विशाल बेड़ा है, जो छात्रों को ओसिया व आसपास के 50 किलोमीटर दायरे से लाती व ले जाती है। यातायात की ऐसी टॉप क्लास व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों हेतु शिक्षा प्राप्ति सुगम बनी है। वर्तमान का समय कंपटीशन का समय है, हर क्षेत्र में गलाकार प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में टैगोर स्कूल अपने स्टूडेंट्स हेतु फाउंडेशन कोर्स भी पढ़ाता है। यहाँ कक्षा 11th व 12th के छात्रों को IIT, PMT व PET की तैयारी भी करवाई जाती है, जो छात्रों को मेडिकल व इंजीनियर में आगे जाने हेतु काफ़ी उपयोगी होती है। इससे छात्रों का समय व धन दोनों की बचत होती है व छात्र प्रतियोगी माहौल में लगातार अपना प्रदर्शन सुधारता रहता है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व श्रेष्ठ शिक्षण माहौल के निर्माण हेतु निदेशक श्री सुभाष जाखड़ के पुत्र व स्कूल की मैनेजमेंट टीम के सदस्य श्री अजय जाखड़ का भी अपना मुख्य योगदान रहा है। युवा व अनुभवी टीम के कारण आज टैगोर स्कूल ओसिया समूचे मारवाड़ अंचल के प्रत्येक अभिभावक की पहली पसंद है। आइए ऐसे ही कुछ अभिभावकों की राय से हम भी वाकिफ होते हैं। मेरा बच्चा टैगोर स्कूल ओसिया में पढ़ता है, यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और मेरा बच्चा भी काफ़ी बढ़ ही रहा है। पहले बहुत कमज़ोर था, अब तो बढ़ के बहुत होशियार हो गया है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सारे बच्चे यहीं आके एडमिशन ले अपना, और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है। जो मेरे बच्चा ने सीखा है तो मैं भी वही चाहता हूँ, आपके बच्चे भी वही सीखे। जितने चाहता हूँ जो भी देख रहे हो मुझे, तो मैं यही चाहता हूँ आपके बच्चे भी टैगोर स्कूल ओसिया में ही पढ़े और यहीं एडमिशन ले। टैगोर स्कूल ओसिया के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में संस्था के सह निदेशक श्री सुरेश जाखड़ का मुख्य योगदान रहा है। विद्यालय हेतु
प्रशिक्षित स्टाफ का चयन, विद्यालय हित की कार्य योजनाओं का निर्माण व छात्रावास में बेहतरीन शैक्षणिक व्यवस्थाओं हेतु श्री सुरेश जाखड़ सदैव तत्पर रहते हैं। विद्यालय की स्थापना से वर्तमान तक के विद्यालय के उत्कर्ष में श्री सुरेश जाखड़ का सराहनीय योगदान रहा है। प्रिय दर्शकों, आपने इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से टैगोर स्कूल ओशिया की मानसिक यात्रा की व वहां की प्रत्येक अध्ययन विशेषताओं को जाना। अब हम उस कर्मयोगी से मिलेंगे जिन्होंने झुंझुनू जिले के धमोरा ग्राम में जन्म लेकर समाज को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रण लेकर अपनी राजकीय सेवा को त्याग ओशिया में शिक्षा की कमी को दूर करने हेतु सन 2003 में 95 छात्रों के साथ ओशिया में जो टैगोर स्कूल रूपी वृक्ष बोया, वो आज 2500 छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। हम ऐसे कर्मठ संस्था निदेशक श्री सुभाष जाखड़ जी से मिलते हैं। मैं सुभाष जाखड़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और हमने मैं कुछ मेरे साथियों के साथ माता जी मंदिर दर्शन करने के लिए करीब 2 मई 2003 में हम यहाँ ओशियार घूमने के लिए बरकपुर से आए थे। तब मैंने यहाँ की शिक्षण सुविधाओं को देख करके मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ शिक्षा का अभाव है और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए तो यहाँ के छात्र छात्राओं को फायदा होगा। मेरे मन में ऐसा कुछ भाव आया और मैंने उसी दिन ठान ली थी कि अपन ऐसा कुछ करेंगे और फिर उसी पथ पर चलते हुए हमने 24 जून 2003 को इस विद्यालय की 95 बच्चों के साथ शुरुआत की और आज 2500 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। खेलकूद की एक्टिविटियाँ भी हम जैसे वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है और बाहर भी जैसे स्टेट लेवल तक खेल खिलाते हैं बच्चों को और छात्रावास भी संचालित कर रहे हैं जिसमें उत्तम क्वालिटी का छात्रावास है, कमरे वगैरह जिस 2-3 बच्चे के कमरे रखते हैं, भोजन की व्यवस्था अच्छी है। दूर दराजों का याददाश्त दिलाएँ तो हमें सेवा का मौका मिले। हम बच्चों आपके बच्चों की भविष्य सुधारने में काफ़ी हद तक प्रयास करेंगे और अच्छा करेंगे। जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं सब सभी लोग अभी अपनी उपस्थिति दीजिए, स्कूल में प्रेशर आइए, देखिए कैंपस देखिए, जायजा लेके आपके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपका लाल जो सहारा है आपकी वृद्धावस्था का, उसे श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करे व पधारे माँ सच्चाई की नगरी ओशिया स्थित टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ आपके लाडलों को श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने की पूर्ण व्यवस्था है। वंदे मातरम। माता की जय।